माता अपने क्रोध को शांत कीजिए। देवी अनुसुईया त्रिदेवों की माता है, आप उन्हें हानि कैसे पहुंचा सकती हैं? मेरे लिए त्रिदेव की रक्षा से सर्वोपरि और कुछ नहीं है। और यदि आपको देवी अनुसुईया की इतनी चिंता है तो बताइए उन्हें कि मेरे मार्ग में बाधा ना बने। देवी अनुसुईया, महासंकट की इस विकट घड़ी में हमें आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए, अभी तो मिलजुल कर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। देवराजेंद्र, ये ज्ञान मुझे नहीं देवी पार्वती को दीजिए। यह समय व्यर्थ ना करके महासुर से युद्ध करें और अपने आदि शक्ति होने का दायित्व निभाए और संसार की रक्षा करें। और जहां तक त्रिदेव की सुरक्षा की बात है, मैं उनकी माता हूं, मैं उनकी रक्षा स्वयं करूंगी। मेरे क्रोध से आपकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। आपको स्मरण होगा देवी पार्वती, मैंने ही सूर्य के ताप को कम करके आपको विलीन होने से बचाया था, इसलिए आप मुझ महाशक्ति को ना भयभीत कर सकती है ना ही पराजित। आपकी शक्ति अवश्य श्रेष्ठ होगी, परंतु मेरी शक्तियां भी आपसे किसी अर्थ में कम नहीं है। मुझे अपनी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है। यदि आप युद्ध करना चाहती हैं, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। जाइए देवी अनुसुईया, मैं आपसे कहता हूं रुक जाइए। मत रोकिए मुझे ऋषिवर, मत रोकिए। देवी मेरी बात समझने की चेष्टा तो कीजिए। पति की आज्ञा की अवहेलना करके आप महासतीत्व धर्म का पालन ही नहीं कर पाएंगे। आपके महासतीत्व का आधार मैं ऋषि अत्री, आपको तक्षण रुक जाने का आदेश देता हूं। आपके आदेश के बंधन में मुझे मत बांधिए ऋषिवर। ये शब्द वापस लीजिए ऋषिवर। आप तो जानते हैं देवी पार्वती मेरे पुत्र को मुझसे छीनना चाहती है। बस कीजिए देवी अनुसुईया, बस कीजिए। आप हाथ पुत्र मोह ने आपके नेत्रों पर एक ऐसा आवरण बांध रखा है कि आप अपने पुत्रों के ऊपर आए विकट संकट को ही नहीं देख पा रही हैं। एक छोटी सी बात आपके समझ में नहीं आ रही है देवी, कि आज आपसे कहीं अधिक सुरक्षित आपके पुत्र इन त्रिदेवियों के साथ रहेंगे। देवी तर्क कुतर्क छोड़िए, अब आप अपने पुत्रों को त्रिदेवियों के साथ जाने का आदेश दीजिए। सुना आपने? ये मेरी आज्ञा है देवी। मैं आपसे करबद्ध विनती करता हूं मां, अपने क्रोध का परित्याग कर दीजिए और हमारे पुत्रों को अपने साथ ले जाइए। मां, yeah.
देव, नारायण, शिव, पुत्र आप लोगों को इस समय कुछ समय के लिए त्रिदेवों के साथ जाना होगा। पुत्र, ये मेरा आदेश है। आपके आज्ञा है ना माँ? चलिए मित्र, चलिए देव और नारायण, आइए। समय ये कैसा समय ले आया, समय ये कैसा समय ले आया, बना के अपना आज्ञा है ना माँ? कठिन परीक्षा तब हुई पूर्ण मन की इच्छा, आचल भर भर महादेव पर ममता लुटाई हर दिन हर क्षण, भला ऐसा हुए कैसी करनी, पुत्र को दूर स्वयं करे ना, ये कैसी तेरी माया, बना के अपना किया पराया। समय ये कैसा समय ले आया, बना के अपना किया पराया। शिवा हम लोग कहाँ जा रहे हैं मित्र? गुप्त और सुरक्षित स्थान पर। कहाँ है वो स्थान? ये वही स्थान है जहाँ सती के महादेव के पश्चात महादेव ध्यानस्थ हुए थे और उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया था। अमरनाथ की पवित्र गुफा से गुप्त और सुरक्षित स्थान अन्यत्र इस धरती पर और कहीं नहीं है, इसीलिए हम आपको वहीं लेकर जा रहे हैं महाअसुर से छुपाने। यदि आत्मा अनश्वर अमर तो असुरक्षा कैसी और किससे मित्र? अर्थात आप अमरनाथ नहीं जाएंगे? अवश्य जाऊंगा मित्र। शिवा, इससे पहले अनेकों बार मैंने आपकी इच्छा की अवमानना कर आपको दुख पहुंचाया है, किंतु मैं इस बार आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगा मित्र। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। कब से अकेला बैठा हूं यहां, न सेवक है न सेविकाएं हैं, न गायक है न गायिका है, न अप्सराएं हैं। सुना था स्वर्ग में अप्सराएं बहुतायत हैं,
पर यहां तो कुछ भी नहीं। कहीं ये नकली स्वर्ग तो नहीं? कोई तो आ रहा है, अब मन बहलेगा। स्वर्गाधिपति बनकर मेरी उपेक्षा महासुर। जीवित हो अब तक, ये क्या कम है? या उपेक्षा की परिभाषा बताऊं? क्या हो रहा है सुरराज? वही जिसका प्रयोग तू मुझ पे करना चाह रहा था, मुझे भस्म करना चाह रहा था, अब तू स्वयं भस्म होगा। मुझसे भूल हो गई सुरराज, क्षमा कर दीजिए। जो जीवन देना जानता है वो मारना भी जानता है। जिसके कारण तेरा जन्म हुआ उसे ही मारने खड़ा हो गया तू। क्षमा कर दीजिए असुरराज, क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद असुरराज, पुनर्जीवन देने वाले का हित मैं सोच भी नहीं सकता। वस्तुतः मैं तो आपसे विनोद कर रहा था, क्योंकि अकेले बैठे मैं यहाँ उब चुका था। तेरी उब और एक रास्ता को समाप्त करने ही आया हूँ मैं यहाँ। कैसे असुरराज? चल मेरे साथ। कहाँ? भस्मासुर के अधूरे कार्य को पूरा करने, शिव को भस्म करने। बताइए कहाँ है वो? सब भीतर जाइए, मैं यहां पहरा देता हूं। चलिए त्रिदेव। स्थान पृथ्वी पर होकर भी पृथ्वी से पृथक है। पृथ्वी से पृथक कैसे मित्र? यहाँ ना भूख की अनुभूति होती है, ना प्यास की अनुभूति। भीतर से ध्वनि ना बाहर जाती है, ना बाहर की ध्वनि भीतर आती है। यहाँ रहकर आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो ये एकल संसार है। तात्पर्य, बाहरी जगत से आपका कोई संपर्क नहीं रह जाएगा। तब मैं अधिक समय तक यहां कैसे रह पाऊंगा मित्र? सुरक्षित रहने के लिए तो यहां रहना होगा मित्र। और जब त्रिदेव सुरक्षित रहेंगे
तभी तो त्रिलोक सुरक्षित रहेगा। किंतु मुझे मेरी माँ की चिंता रहेगी। केवल माँ की चिंता क्यों मित्र? पिता की चिंता क्यों नहीं? संपूर्ण संसार की चिंता क्यों नहीं? वो भी तो आपके अंश है ना। यदि आपको कोई हानि पहुंचाएगा तो आपसे पहले जगत को हानि पहुंचेगी, क्योंकि जगत से आप नहीं, आपसे जगत है। और अब समय आ चुका है कि देव और नारायण भी इस सत्य से अवगत हो जाएं कि आप तीनों ही त्रिदेव हैं और इस सृष्टि के रचयिता हैं। और इसीलिए, और आप त्रिदेवों की सुरक्षा सर्वोपरि है, और आप यहाँ तब तक रहेंगे जब तक महाअसुर का अंत न हो जाए। परंतु कोई समय सीमा? समय आने पर सब ज्ञात हो जाएगा। अब आप हमारे आने तक यही प्रतीक्षा कीजिएगा। इनसे त्रिदेव को वापस कर देने का वचन लेने का। शुभ से शीघ्रम। देवी अनुसैया, आपको देवी पार्वती को त्रिदेव को ले जाने नहीं देना चाहिए था। इन्होंने तो पूरा प्रयत्न किया था त्रिदेव को रोकने का, किंतु इनकी एक नहीं चली। कितना प्रेम करती थी आप बालशिव से, लेकिन कितनी निष्ठुरता से चला गया वो त्रिदेवियों के साथ। अब बालशिव कभी वापस नहीं आएगा देवी अनुसुईया, उसकी आने की आस छोड़ दीजिए आप। घूर कर देखने से सत्य नहीं बदल जाएगा देवी अनुसुईया। चलिए अब हमें भोजन दीजिए, बड़ी भूख लगी है। सत्य यही है कि बालशिव अब स्वयं आपके साथ नहीं रहना चाहते। महादेव बनकर देवी पार्वती के पास लौट जाना चाहते हैं, बस कह नहीं पा रहे अपने हृदय की बात आपसे।
झूठ है ये। शिव मुझसे दूर नहीं जाना चाहता है। वह अपनी स्वेच्छा से नहीं गया है दूर मुझसे। बलात ले गई है देवी पार्वती मेरे शिव को मुझसे दूर। किंतु शिव नहीं रहेगा उनके साथ। वे लौट आएगा मेरे पास, अपनी माँ के पास। मैं विवश कर दूंगी उनको आने के लिए, विवश कर दूंगी। नहीं रहने दूंगी स्वयं से दूर शिव को।